ये कहीं ना कहीं हमको आगे ही मिलती हैं, भगवान मिलते हैं यदि हम करेंगे तो। अगर हम किसी की माने ना अपनी मनमानी करते रहते हैं तो मनमानी का भी फल मिलता रहता है। आज हमारे भीष्म पितामह धराधाम से चले गए, भगवान भी बोले अर्जुन तुम्हारे वहां तो हम बहुत रुकते हैं, अब चलो हमारे द्वारिका में भी रुको। अर्जुन चल पड़े, अर्जुन गए द्वारिका में। 7 महीने के बाद लौटे तो रोते बिलखते हुए युधिष्ठिर ने पूछा क्या हुआ, तो हमारे अर्जुन ने कहा, अर्जुन जी ने कहा कि भगवान हम सबको छोड़कर चले गए। अच्छा, तब तक इधर राजा परीक्षित का भी जन्म हुआ और उनका नाम एक रखा विष्णुराग और दूसरा नाम परीक्षित। क्यों? क्योंकि वो हर व्यक्ति में परीक्षण करते थे कि भगवान कहाँ मिलेंगे। अब पांडवों ने भी त्याग कर दिया और हिमालय पर्वत की गुफा की तरफ प्रस्थान कर गए और परीक्षित को राजा बना दिया। अब परीक्षित जी राजपाट संभालने लगे तो एक दिन गोदाम को साफ करवा रहे थे, उसमें देखा एक सुंदर सा मुकुट, देखा अच्छी बात रख दिया। अब हमारे परीक्षित जी ने कहा ये मुकुट रखो, ये बहुत ही सुंदर है। और थोड़ा भ्रमण पे निकले तो देखा एक काला काला व्यक्ति गाय और बछड़े को पीट रहा था, मार रहा था। परीक्षित ने दूर से देखा, धनुष बाण निकाल लिया, सावधान हमारे राज्य में किसकी हिम्मत है कि गौ माता पर कोई प्रहार करेगा, अभी मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, वो पुरुष कोई और नहीं था, साक्षात कलयुग था। राजा परीक्षित ने कहा हमारी गाय मैया को मार रहे हो, हमारे वृषभ देवता को मार रहे हो। गाय मैया रोने लगी, राजन हम पृथ्वी हैं, ये इसकी दुष्टता से तो मैं हम परेशान हो गए। अरे सतयुग द्वापर त्रेता में तो हम खूब पूजे जाते थे, पर कलयुग में महाराज हमको कोई कहीं बैठने भी नहीं देता। आज भी वृषभ देवता आ जाएं तो हम आप बैठने भी नहीं देते, बदले में बल्लम बा का कुल्हाड़ी ऊपर से मार देते हैं। भोले बाबा के मंदिर में जाते हैं तो जो पत्थर के नंदी बैठे रहते हैं उनको खूब भरभर लोटा जल चढ़ाते हैं। इसीलिए जो जीवित व्यक्तियों का रक्षा नहीं कर सकता है। उसके के जीवन में इतने कष्ट आते हैं, इतने कष्ट आते हैं कि कष्टों की समाप्ति कभी होती नहीं, कभी नहीं मारना चाहिए। गाय को पशु ना समझना, तुलसी वृक्ष को वृक्ष ना समझना, गंगा मैया को साधारण नदी ना समझ लेना, देवता है देवता, कभी नहीं मारना चाहिए। पहली जो रोटी होती है घर में जब माताएं बनाती हैं तो गाय को देना चाहिए, लेकिन लोग नहीं देते हैं। पहली रोटी यदि पति नौकरी पे जा रहा, कहीं भी जा रहा, तो पहली रोटी ही टिफिन में पैक करके दे देती हैं। इसलिए भैया लोगों का स्वभाव धीरे धीरे गाय की तरह होता जा रहा है, उचित अनुचित कुछ सुनाई नहीं देता, बोलते ही नहीं, इतने सीधे हो रहे। और जो आखिरी रोटी माताएं बनाती हैं वो कुत्ते की होती है, उसे भी कुत्ते को देना चाहिए। तो आखिरी रोटी माताएं लेके कढ़ाई में सब्जी पोंछ पोंछ कर स्वयं खाने लगती हैं, तो उनका भी स्वभाव जय जय, इशारों को अगर समझो तो फिर राज को राज रहने दो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परीक्षित को परीक्षित जी ने कहा तुमको अभी हम मार डालेंगे। गिड़गिड़ाने लगा, महाराज हमारे में सब अवगुण ही ना देखो, कुछ गुण भी देखो। अरे सतयुग त्रेता द्वापर में लोग पता नहीं कितना परिश्रम करते थे तब भगवान मिलते थे, और कलयुग कलयुग केवल नाम अधारा। तो राजा परीक्षित ने कहा तुम हर जगह नहीं रह सकते हो, जाओ तुमको हम 4 स्थान रहने के लिए देते हैं। कहाँ? पहला स्थान ये है कि जहाँ पर हिंसा होती हो वहाँ तुम रहो, जहां पर पशु पक्षियों का लोग वध करते हैं वहां पर तुम्हारा निवास है।
अच्छा महाराज, दूसरा दूसरा जहां पर व्यक्ति शराब पीता है, शराब घर में, वहां जाकर के रहो महाराज। तीसरा तीसरा वहां रहो जहां गलत आचरण करने वाली स्त्रियां निवास करती हैं। अच्छा महाराज। चौथा, अरे कोई एक प्लॉट तो अच्छा दे देते, इतना जितने खराब प्लॉट थे सब हम ही को दिया आपने, एक अच्छा सा दे दो। तो एक और स्थान दे दिया स्वर्ण, मतलब सोना। कलयुग खुश हो गया, अब तो हम सोने में निवास करेंगे। राजा परीक्षित ने कहा सोने में तो तुम निवास करोगे, लेकिन अधर्म से कमाया गया सोने में निवास करोगे, धर्म की कमाई से जो पहना है उसमें नहीं। अच्छा ठीक है, फिर अब कलयुग चला गया। राजा परीक्षित घर में आए और उसी जरासंध का जो मुकुट था उसको थोड़ा अपने सर पर रखकर देखे, बड़ा सुंदर था। और जैसे ही जरासंध का मुकुट लगाया कि कलयुग का उसी में निवास हो गया। क्यों? क्योंकि वो अधर्मी राजा का मुकुट था। हमारे परीक्षित जी महाराज एक चींटी को नहीं मारते थे। उस दिन उनके मन में भाव आ गया, चलो हम शिकार करें। अब वो शिकार करने के लिए चल पड़ते हैं, जंगल में जाते हैं। शिकार तो उनको मिला नहीं, पर उनको प्यास बड़ी जोरों की लग गई। जब प्यास लग गई तो जंगल में एक ऋषि की कुटिया थी। उन ऋषि का नाम था समीक ऋषि, समाधि लगाए थे। राजा परीक्षित गए, बोले अरे वो पाखंडी बाबा, राजा आया है राजा, क्योंकि मुकुट लगाए थे, कलयुग का निवास था। अरे वो संत, मुझे एक गिलास पानी पिलाओ। अब देखो संतों को पानी देना चाहिए कि उनसे पीना चाहिए। राजा परीक्षित ने कहा तुम हमको पानी पिलाओ, तो संत की समाधि तो असली थी, उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। अब राजा परीक्षित ने क्या किया, बगल में मरा हुआ सांप को एक अपने धनुष के नोक पर उठाया और ऋषि के गले में लपेट दिया। चल पड़े वहां से। दूर से उनका बेटा देख रहा था, कोसकी नदी के पास खेल रहा था। अब बेटा ने कहा हे भगवान, इतना भारी अपमान, कोसकी नदी से जल लिया और कहा कि हे भगवान मैं श्राप देता हूं इनको कि ये सातवें दिन इनकी मृत्यु हो जाए, क्योंकि मेरे पिताजी का इन्होंने अपमान किया है। जिस नाग को इन्होंने डाला है गले में, मरा हुआ नाग, अरे तक्षक नाग इनको सातवें दिन डस ले और इनकी मृत्यु हो जाए। रोने लगा जोरों से। इधर समीक ऋषि जी की आंखें खुल गई, क्या हुआ बेटा, अरे पिताजी देखा नहीं, राजा परीक्षित ने इतना घटिया काम किया है। अरे राजा परीक्षित आए थे, हे भगवान हम तो उनका मान सम्मान भी नहीं कर पाए। बेटे ने कहा लेकिन हमने श्राप जरूर दे दिया। समीक ऋषि ने कहा बहुत गड़बड़ किया, अरे जब तक राजा परीक्षित का राज है तभी तक तो कलयुग शांत है, राजा परीक्षित के जाने के बाद कलयुग का हर जगह निवास हो जाएगा। जो राजा होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो धार्मिक प्रचारक होते हैं, इन स्थानों पर कभी नहीं जाना चाहिए जहां कलयुग को निवास दिया गया है। आज राजा परीक्षित को तो श्राप लगा, अपने घर गए। जैसे ही मुकुट को उतारा, राजा परीक्षित को पश्चाताप होने लगा, हे भगवत मैंने ऋषि के साथ क्या कर दिया, हमको नहीं करना चाहिए था, बड़ी ग्लानी हुई। तब तक ऋषि ने संदेशा भिजवा दिया, मेरे बेटे ने श्राप दे दिया है, सातवें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित ने कहा कोई बात नहीं, मैं मृत्यु से नहीं डरता हूँ, जो पृथ्वी पर आता है सब मरते हैं, अमर होके कोई नहीं आता है, पर मुझे अब एक बात की चिंता हो गई कि मेरे पास मात्र सात दिन हैं और सात दिनों में हम सत्कर्म कैसे करेंगे, भगवान का भजन कैसे करेंगे कि हमको भगवान मिल जाएं, क्योंकि थोड़े से दिन हैं, इस बात की चिंता सता रही है। अपने पुत्र को राजपाट दे दिया और गंगा तट पर अंसल लगाकर राजा परीक्षित जी बैठ गए। दूर दूर से ऋषि महात्मा समझाने के लिए आने लगे, राजन क्या बात है। राजा परीक्षित बस एक ही बात बोलते, हमारे पास सात दिन हैं, हमको भगवान कैसे मिलेंगे, हम भगवान के धाम को कैसे जाएंगे, समय बहुत कम है, दुनिया भर का प्रवचन ना सुनाओ, बस एक बात बताओ हमको हमारे ठाकुर जी कैसे मिलेंगे। ऋषि महात्माओं ने कहा मिलेंगे, चिंता ना करो, तब तक
16 वर्ष की आयु, घुंघराले बाल, छोटा सा कमंडल, लाल लाल ओठ लिए हमारे सुखदेव जी महाराज आ गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज जय। बोले राजन क्या बात है, किस बात की चिंता है? वही बात बताने लगे। सुखदेव जी महाराज ने कहा, तुम 7 दिन की बात करते हो, क्षण मात्र में तुमको भगवान मिलेंगे, तुम चिंता किस बात की करते हो? तो बोले महाराज, बस हमको जल्दी से बताइए वो मार्ग। सुखदेव जी ने कहा, बैठो राजन, हम आपको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं और आपको भगवान मिलेंगे, भगवान के धाम को जाएंगे, चिंता ना करें। तो यहाँ सुखदेव जी महाराज अब राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे। अभी नैमिषारण्य में कथा चल रही थी, अब राजा परीक्षित को हमारे सुखदेव जी महाराज कथा को सुनाने लगे। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु भक्ति कैसे करना चाहिए, कैसे भगवान मिलेंगे, किस प्रकार से भक्त भक्ति करे? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, श्रवणम स्मरणम कीर्तनम, किस श्रवणम स्मरणम कीर्तनम पाद सेवनम ओ अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यात्म निवेदनम। भगवान की कथा को सुनो, कथा को स्मरण करो, स्मरण करके कीर्तन करो, कीर्तन करके भगवान के चरणों की सेवा करो, अर्चना करो, वंदना करो, भगवान से सखा भाव में रिश्ता बना लो और अंत में सब कुछ भगवान को मान लो, ऐसे ही भगवान की भक्ति होती है। अच्छा, तो प्रभु अब हमारे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भगवान का जो रूप है, भगवान के जो अवतार थे, उसमें भगवान ने सूकर अवतार क्यों रखा? राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, श्री सुखदेव जी ने कहा, सुनो, ब्रह्मा पुत्र दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र रत्न इच्छा प्राप्ति करने हेतु अपने पति मरीच नंदन कश्यप जी से प्रार्थना करती हैं कि महाराज हमको संतान चाहिए, वो भी सायकालीन, जबकि सायकालीन की बेला में कुछ भी कार्य नहीं किया जाता, ना भोजन किया जाता है, ना सोया जाता है, ना खाया जाता है, ना पढ़ा जाता है, ना संतान की उत्पत्ति के बारे में सोचा जाता है। यदि ऐसा करते हैं तो सब उल्टा होगा। अगर सायकालीन में कोई आहार यानी भोजन कर रहा है तो व्यक्ति रोगी हो जाएगा। अगर सायकालीन कोई पति पत्नी बच्चों के बारे में, संतान के बारे में रचना बनाते हैं तो उनकी संतान राक्षस पैदा होगी। और यदि सायकालीन में कोई सोता है तो उनके घर में दरिद्रता का निवास सदा सदा के लिए हो जाएगा। सायकालीन में यदि कोई पढ़ता है तो वो जितनी जल्दी उसे याद होगा उतनी ही जल्दी वो भूल जाएगा। अब दिन भर माताएं बच्चों को नहीं पढ़ाती हैं, जैसे सायकालीन होती है शाम वैसे ही डंडा उठा लेती है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जब दिन भर नहीं पढ़ा तो सायकालीन भी उसे पढ़ने के लिए प्रेशर ना डालो। वो समय भगवान के भजन का होता है, वो समय घर के दहलीज पर दीपक जलाने का होता है, वो समय भगवान का कीर्तन करने का होता है। बस अब ये दिति मैया तो कहती है हमको पुत्र चाहिए, पति देव ने समझाया यह बेला भोले बाबा की है, भोले बाबा भी सायकालीन में अपने गढ़ों के साथ विचरण करते हैं, पर दिति मैया नहीं मानी तो हमारे कश्यप जी ने पुत्र रत्न की इच्छा को पूरी किया और गर्भ में बालक पलने लगे। बाद में गई दिति मैया क्षमा मांगने लगी, भगवान क्षमा करो, मैंने गलत किया स्वामी। कश्यप जी ने कहा, पुत्र तो तुमको जरूर होंगे लेकिन राक्षस पुत्र होंगे जिनका उद्धार करने के लिए साक्षात भगवान को आना पड़ेगा। अच्छा, अब दिति मैया डर गई, 100 वर्षों तक जन्म ही नहीं दिया, जब जन्म नहीं देंगे तो बच्चे क्या होंगे? अब तो वायुमंडल शून्य होने लगा। भगवान ने कहा, देवी गर्भ में बच्चों को ज्यादा दिन नहीं रोक सकती, इन्हें जन्म दीजिए।
जैसे ही मैया ने जन्म दिया वो पलक झपकते पहाड़ की तरह बढ़ने लगे और बच्चे एक नहीं दो हुए। एक का नाम रखा हिरण्याक्ष, एक का नाम रखा गया हिरण्यकश्यप। तो हिरण्याक्ष ने जन्म लेते ही पृथ्वी को चुरा लिया। भगवान ने तब सूकर अवतार रखा और पृथ्वी का उद्धार किया। दूसरा भाई हिरण्यकश्यपु ने घोर तपस्या करके प्रसिद्धि प्राप्त की और भगवान से ही द्रोह करने लगा। अपने पुत्र प्रहलाद को जब प्रताड़ित करने लगा तो भगवान नरसिंह अवतार धारण करके आते हैं और हिरण्यकश्यपु का उद्धार करते हैं, भक्त प्रहलाद के ऊपर कृपा करते हैं। बोलिए भक्त प्रहलाद जय। आज भगवान दोनों को समाप्त कर देते हैं कि कितनी ही बार दया निधि ने, कि कितनी ही बार दया निधि ने संसार को आके उबार लिया, संसार को आके उबार लिया। जब जब पृथ्वी पर धर्म घटा तब तब प्रभु ने अवतार लिया। करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोली राजा रामचंद्र भगवान जय। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं। राजा परीक्षित पूछते हैं भगवत, ये सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ? राजा परीक्षित ने प्रश्न किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सर्वप्रथम श्रीमन नारायण आए, श्रीमन नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से दस मानस पुत्र और दस मानस पुत्रों में से यह सृष्टि का विस्तार हुआ। अच्छा महाराज, पुत्रियां आई पहले कि पुत्र आए? बोले पहले पुत्र नहीं आए, पहले बेटियां हुई। देखो सृष्टि का विस्तार भी होता है तो वो बेटियों से ही होता है। हमारे ब्रह्मा जी के पुत्र कर्दम प्रजापति ने कठिन तपस्या की। कठिन तपस्या किस लिए? कि उनके मन में विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। तो उन्होंने सोचा पहले बढ़िया तपस्या कर ले ताकि हमको धर्म पत्नी बढ़िया वाली मिले, सीता मैया जैसी। देखो यहाँ कर्दम जी ने स्वयं तपस्या किया सुंदर पत्नी, धर्मवान पत्नी पाने के लिए। अब पति तो सब चाहते हैं हमको सीता मैया जैसी पत्नी मिले, पर स्वयं प्रभु श्री राम बनना कोई नहीं चाहता है? बस सब ये चाहते हैं हमको पत्नी सीता मैया जैसी मिले। अरे पहले प्रभु श्री राम जैसे बन के दिखाओ, प्रभु श्री राम का चरित्र अपने जीवन में उतारो, सीता मैया मिलेंगी कैसे नहीं मिलेंगी? तो राम जी जैसा आचरण कोई नहीं करना चाहता। बस आजकल लोग जानते हो किस लिए पढ़ते हैं, जबरन पढ़ते हैं कि विवाह हो जाएगा। दरवाजे पर जब देखने आएंगे तो पूछेंगे ना लड़का कितना पढ़ा है, तो चाहे थर्ड पास हो चाहे जैसो पास हो बता देंगे इंटर पढ़ के आईएएस की तैयारी कर रहा। अब वो जाके पूरे लखनऊ भर में चक्कर लगा रहा, पार्टी कर रहा, कहीं मित्रों के साथ वहाँ पार्टी, कहीं वहाँ पार्टी। माता पिता सोचते हैं आईएएस बन रहा है ताकि दरवाजे पर कोई ब्याह करने के लिए आए तो खुश हो जाए और कर दे। इसलिए कभी कोई अपने जीवन में तप नहीं करना चाहता है कि लाओ हम भगवान से पूजा अर्चना वंदना कर ले कि प्रभु हमारा विवाह तो हो लेकिन हमको धर्म पत्नी बहुत अच्छी मिले, कि घर में कलह ना पैदा करे, क्रोधी ना हो, चांडाली कोई ना आ जाए, हमको बढ़िया वाली पत्नी मिले। तो हमारे कर्दम ऋषि तपस्या करते हैं और तपस्या से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, कहते आप चिंता ना करो। मनु शत्रुपा जी आएंगे अपनी पुत्री का विवाह करेंगे और मनु शत्रुपा जी आ गए अपनी बिटिया देवहूति मैया को लेकर और बोले ऋषिवर आप विवाह कर लो। कर्दम ऋषि ने कहा अच्छा भगवान की याद आ गई, हाँ हाँ करेंगे। आज मनु शत्रुपा ने अपनी बिटिया का विवाह कर्दम ऋषि से कर दिया मैया देवहूति। मनु शत्रुपा कौन है? ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार कर रहे थे, सृष्टि बढ़ ही नहीं रही थी, दस मानस पुत्रों को पैदा किया फिर भी नहीं बढ़ी। अब अपने ही शरीर के दो भाग करके एक स्त्री और पुरुष में प्रकट हो गए। स्त्री का नाम शत्रुपा और पुरुष का नाम मनु,
दोनों पति पत्नी का नाम क्या पड़ा? मनु और सतरूपा। तीन पुत्रियां हुई, आकृति प्रसूति मैया देवहूति। दो पुत्र हुए, राजा उत्तानपाद, राजा प्रियव्रत। उत्तानपाद के पुत्र कौन है? ध्रुव जी महाराज, जिनका यश गाया जाता है। उनका परिवार हुआ तो देवहूति मैया का विवाह कर दिया हमारे कर्दम ऋषि से। कर्दम ऋषि बहुत दिनों के बाद समझ पाए कि मेरी पत्नी है। जब पति पत्नी दोनों विहार करने के लिए कर्दम ऋषि जी खूब आनंद से घूमते हैं, कुछ समय व्यतीत होता है, उनके घर में एक नहीं, दो नहीं, नौ पुत्रियां, नौ देवियां प्रकट हो गई। और इधर ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र भी हो गए थे। नारद जी को मिला के 10 थे, लेकिन नारद जी ने तो अपना विवाह ही नहीं किया। तो उन नौ पुत्रियों का विवाह हमारे कर्दम ऋषि जी ने ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से कर दिया। ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र थे, हमारे मरीच जी, अंगिरा जी, अत्री मुनि, पुलस्य जी और पुलह, भृगु जी महाराज, कृतु और वशिष्ठ जी महाराज, ये नौ पुत्र थे हमारे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, जो मन से प्रकट हुए थे, संकल्प मात्र से। तो इन्हीं के साथ हमारे कर्दम ऋषि ने नौ पुत्रियों का विवाह कर दिया। एक कला नाम की सुंदर पुत्री थी, तो हमारे कर्दम ऋषि जी ने मारीच नाम के ऋषिवर के साथ विवाह कर दिया। अनुसुईया मैया के विवाह अत्रि मुनि से किया, श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि से किया, हविर्भू का विवाह पुलस्त से किया, गति का विवाह पुलह से किया, ख्याति का विवाह भृगु जी से किया, और क्रिया का विवाह कृतु से किया, अरुंधति मैया का विवाह वशिष्ठ जी से कर दिया, जिनसे सृष्टि का विस्तार हुआ। बोलिए गोविंद भगवान जय। देखो, कथा को यदि एक प्रसंग हम सुनाने लगे तो हमारी ये क्षमता नहीं कि हम भगवान की कथा गा लें। हमारी नहीं, जितने कथावाचक हैं। भगवान की कथा जानते क्यों क्या है? समुद्र है, समुद्र जिसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकता कोई। और ये जितने कथावाचक दुनिया के हैं, ये कौन है? ये सब है चीटी। जैसे चीटी सोचे कि लाओ हम समुद्र का मापन कर लें कितनी गहराई है, कर सकते हैं? असंभव। ऐसे ही सब कथावाचक हैं, अपने अपने क्षमता अनुसार पक्षी आसमान में उड़ते हैं, लेकिन किसी पक्षी की ये हिम्मत नहीं कि आसमान का पता लगा ले किसका अंत कहाँ है। ऐसे ही सब कथावाचक हैं बस। तो दर्शन मात्र किया जा सकता है। एक एक का प्रसंग का विस्तार करने लगे तो एक ही प्रसंग महीनों चले, तब हो सकता उनके दर्शन हम कर पाए, थोड़ा ठीक, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। बोलिए गोविंद भगवान, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आइए एक प्यारा सा भजन गाते हैं और इसके बाद में अब हम